आगे साइकिल चलाएंगे। तो सेल्स ऑर्डर बन गया। सेल्स ऑर्डर के बाद क्या होता है, डिलीवरी बनता है। डिलीवरी को ही हम इंडस्ट्री में डिस्पैच भी बोलते हैं। तो हमारा ये सेल्स ऑर्डर बन गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डिलीवरी देख रहा है, हम इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने कस्टमर सेलेक्ट कर रखा था उसमें उसके कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, ये इंटरप्राइजेस ये आ गया, ठीक है। इसके आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ देखिए कॉपी फ्रॉम जो हमें डेटा दे रखा है, यहाँ से हम इसको सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। आप सेलेक्ट करने को सेल्स कोटेशन भी ले सकते हैं, ब्लैंकेट एग्रीमेंट भी ले सकते हैं। बट जैसा कि हमारा ट्रांजेक्शन का सिक्वेंस बना रहा है, हमारा सेल्स ऑर्डर क्या बना है, कोटेशन पे बना है या फिर आपका ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे बना है, तो अब हमें क्या करना है, सेल्स ऑर्डर के बेस पे डिलीवरी बनानी है। क्योंकि ऑलवेज क्या होता है, इंडस्ट्री में ऑर्डर बेस ही डिलीवरी बनता है। तो जब हमारा सेल्स ऑर्डर है उसके बेस पे हमें उठानी है। तो हमने सेल्स ऑर्डर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने सेल्स ऑर्डर बने हुए हैं, 2983 के 3 हैं। एक बेस्ड ऑन सेल्स कोटेशन, बेस्ड ऑन ब्लैंकेट एग्रीमेंट, बेस्ड ऑन ब्लैंकेट एग्रीमेंट। तो हम इसमें से जो आप जिसके बेस पे आप उठाना चाहते हैं, जो सेल्स ऑर्डर है उसको आप उठा सकते हो। मैं लास्ट वन को लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने चूज किया। चूज करने के बाद आपको तो इसमें दोनों ऑप्शन है, कस्टमाइज करेंगे तो सर्टेन पार्ट ऑफ द मटेरियल आप बढ़ा घटा सकते हैं, अगर ड्रॉ ऑल डेटा करेंगे तो सारे के सारे डेटा जो उस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे बोल रहा है सिस्टम एक्सटेंडेड कैन नॉट बी यूज्ड, द डॉक्यूमेंट विल बी ऑपरेटेड यूजिंग द बेस्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज रेट। तो बोल रहा है कि आप इसके जो एक्सचेंज रेट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसको यस किया। यस करने के बाद मैं इसको फिनिश करूंगा, तो जितने भी क्वांटिटी थे उस पार्टिकुलर सेल्स ऑर्डर पे वो सारे के सारे हमारे क्वांटिटी रेट एवरीथिंग डेटा वहां पे पिकअप हो गया। अब सिंपल सी बात है कि इसमें से सपोज दैट ये 2000 क्वांटिटी है, मुझे 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी ही मंगानी है, तो मैं यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ इसको। इस दूसरा वाला आइटम जो है हमें 300 मंगानी है, तीसरा वाला आइटम जो है ये हमें 200 मंगानी है अभी, ठीक है। डिलीवरी हो रहा है, ऑर्डर तो बना हुआ है लेकिन डिलीवरी कितना हो रहा है, दिस मच हो रहा है। तो अब इस केस में क्या हुआ, आप यहाँ आके भी चेंज कर सकते हैं या ड्रॉ ऑल जहाँ पे था वहां पे आप कस्टमाइज कर दें तो उस स्क्रीन पे भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही करके आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए बेस डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट है। ब्लैंकेट एग्रीमेंट 1 जो है उसके बेस पे ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वडोदरा का लोकेशन आ रहा है, इसके मतलब वेयर हाउस है। अब वेयर हाउस कौन सा आएगा, डिलीवरी जब होगा, जब मटेरियल हमारा डिस्पैच हो रहा है, मटेरियल यहाँ से निकलेगा कहाँ से, किस वेयर हाउस से निकलेगा। ये एफजी आइटम है, एफजी आइटम को ही हम सेल करते हैं। तो एफजी आइटम को अगर हमें सेल करना है तो हमें क्या करना होगा, जो वेयर हाउस आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, एफजी ही आनी चाहिए, एफजी वेयर हाउस आनी चाहिए। तो मैं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे चेकआउट कर देता हूँ फॉर्म सेटिंग में आके, ताकि हमें वेयर हाउस दिखाए कि कौन सा वेयर हाउस आ रहा है। देखिए इसमें एफडी वेयर हाउस नहीं आ रहा है, मतलब ये ओके है, इस पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वेयर हाउस बना हुआ है इसलिए एफडी वेयर हाउस आ रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर सेल्स ऑर्डर पे भी आपने सेट कर रखा है एफडी वेयर हाउस, तो वही चीजें टोटल डेटा उठा के लाएगा। ये चीजें हो गई, क्वांटिटी हमने चेंज कर दिया, यूनिट प्राइस अगर आपको चेंज करनी है, ऑलमोस्ट सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी का सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, टेक्स कोड वगैरह देखिए ऑटोमेटिकली फेचअप हो गया है, हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर आपको कुछ फ्रेट वगैरह लगता है तो यहाँ पे आएंगे, ये जो आप फ्रेट का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सपोज दैट इस मटेरियल को डिलीवरी करने में हमें कितना लग रहा है, टोटल जो हमारा नेट अमाउंट है वो यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने यहाँ डाल दिया कि 500 या 5000 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है टैक्स कितना, इस पर टैक्स भी लग रहा है फ्रेट पे, तो यहाँ पे हम फ्रेट का टैक्स, याद होगा आपको जब मैं टैक्स कोड बना रहा था तो आपको बोला था कि टैक्स कोड में अगर आप फ्रेट सेलेक्ट करोगे तभी ये टैक्स कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर टैक्स कोड बनाते वक्त आपने फ्रेट नहीं सिलेक्ट किया होता तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। सपोज दैट 18% का IGST अमाउंट पे लग रहा है, 18%, 12%, जो भी परसेंटेज आपका लगेगा यहाँ पे फ्रेट पे उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे ही टैप करेंगे तो देखिए आपका ये 900 क्या है टैक्स अमाउंट है, ये क्या है नेट अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट कितना है, ग्रॉस अमाउंट हो गया 500 900। इसको जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद क्या हो जाएगा, वहां पे फ्रेट सेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, 5000 हो गया फ्रेट एंड 900 जो था वो टैक्स अमाउंट जो पहले से था उसमें ये 900 एड हो गया, 73000 में ये 900 एड हो गया। अब इसको करने के बाद आप इसकी जनरल एंट्री चेक कीजिए कि जनरल एंट्री अभी क्या है, एफजी आइटम है तो अगर बैचेबल है तो बैच मांगेगा। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये बैच डिमांड कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जब मैंने इसका स्टॉक डाला था तो मैंने बैच डाला था, बैचेबल आइटम था, आपको याद होगा मैंने क्या किया था, DTW के थ्रू इसका स्टॉक चलाया था,
मैं यहाँ पे आऊंगा, ऑलरेडी इसको बैच दे रखा है, जिस बैच से ये आया था उसी बैच से मैं इसको आउट करेंगे। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 200 क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, उसने क्वांटिटी को उस पर्टिकुलर बैच से सब्ट्रैक्ट कर देगा। अब इस 1000 में से कितना बच गया, 800 ये बच गया, 200 ये इधर को सिलेक्ट हो गया, इसको अपडेट कर दीजिए। फिर सेकेंड आइटम आप ले लीजिए, सेकेंड आइटम आपने लिया फिर उसको आप ऑटो सेलेक्ट कीजिए, ऑटो सेलेक्ट 500 स्टॉक में था इस बैच पे, 300 इधर आ गया, इसको अपडेट कर दीजिए। फिर उसके बाद थर्ड आइटम उठाइए, थर्ड आइटम क्या है, 7500 है, इसको ऑटो सेलेक्ट किया, ऑटो सेलेक्ट करने के बाद ये 200 ले लिया, रिमेनिंग स्टॉक यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। फिर हमने ये किया फोर्थ, फिर उसके बाद हमने इसको ऑटो सेलेक्ट किया, हमारा जितना 400 रिक्वायर था रिमेनिंग ये इधर रह गया। अब ये रही बात कि जो भी चीजें हम ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैच हमारा आइटम क्या है, बैचेबल आइटम है। जब तक हम इस पार्टिकुलर आइटम को बैच नहीं देंगे, ये आइटम ट्रांजेक्शन करने ही नहीं दे रहा कि किस पार्टिकुलर बैच पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें इसको बैच में, आप इसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद फिर इस पे ये जनरल एंट्री जो है, इस प्रीव्यू पे इस पे क्लिक कीजिए, तो अब आपको जनरल एंट्री ओपन होता है। पूरे साइकिल में, सेल साइकिल में यहाँ से अकाउंट इम्पैक्ट शुरू होता है। अब जैसा कि आपका स्टॉक फिनिश गोड जो है, वो स्टॉक आपका वेयर हाउस से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपका डेबिट हो रहा है। जितना अमाउंट से आपका स्टॉक, जिस जितने अमाउंट से आपका स्टॉक क्रेडिट हुआ है, उतना ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, कॉक्स जो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो डेबिट हो जाएगा। कॉक्स अकाउंट मैंने बताया था, कॉक्स क्या होता है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल का होता है वो आपका कॉक्स होता है, ठीक है। तो उसी अमाउंट से आपका जब भी प्रोडक्शन से आया होगा मटेरियल, तो स्टॉक ऑफ द मटेरियल जो है, जो आपका एफजी आइटम का जो स्टॉक है, उसी अमाउंट से डेबिट हुआ होगा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ उतना अमाउंट से क्रेडिट हुआ तो ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कॉक्स इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस परचेज और माइनस लास्ट इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉक्स हम लोग निकालते हैं। कॉक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कॉक्स से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। जितने भी हमारे रेवेन्यू होता है, इससे से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, हमारा कॉक्स निकलता है, सॉरी प्रॉफिट निकलता है। रेवेन्यू आया, ठीक है, यानी कि सेल्स अकाउंट में से क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसको माइनस कर दीजिए, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। सपोज दैट आपने 7 रुपए में किसी आइटम को सेल किया, 5 रुपए आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, आपका कॉक्स हो गया, और 7 क्या हो गया, सेल्स यानी कि रेवेन्यू हो गया, तो 7 माइनस 5 ₹2 आपका प्रॉफिट हो गया। सपोज दैट आपने 7 रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और आपने जो सेल किया आइटम को 5 रुपीज में कर दिया, तो सेल्स माइनस कॉक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा, -2, मतलब आपको लॉस हो गया। तो इसीलिए ये कॉक्स अकाउंट इंपैक्ट डालता है। पहले आ लोग को डीएल अकाउंट डिटरमिनेशन समझ में नहीं आ रहा, अब ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। तो ये जनरल एंट्री आपको याद रखनी है कि डिलीवरी पे या डिस्पैच पे जब भी कोई मटेरियल जाएगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या जाती है, कॉस्ट ऑफ जो फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मटेरियल हमारे इन्वेंट्री से निकल के कस्टमर के पास जा रहा है, मटेरियल हमारा निकल रहा है, मतलब हमारा स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट है वो डेबिट हो गया। ये क्रेडिट हुआ, तो स्टॉक जो क्रेडिट हुआ है उसके बेस पे हमारा क्या होगा, बिल बनेगा, उस बिल का पेमेंट क्या करेगा, जो हमारा कस्टमर स्टॉक ले रहा है, जो हमारा आइटम फिनिश गुड ले रहा है, वो जिस मच अमाउंट आपको पे करेगा। तो ये जनरल एंट्री आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट आर द जनरल एंट्री गोइंग ऑन द डिलीवरी, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कॉक्स, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीवरी बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैंने चेक कर दिया, ऐड एंड व्यू कर दिया, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा डिलीवरी बन जाएगा, ये हमारा डिलीवरी कंप्लीट हो गया। अब डिलीवरी बन गया, अब यहाँ पे रिलेशनशिप मैप चेक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिलेशनशिप मैप चेक कीजिए, तो देखिए क्या बताएगा कि कहाँ से डॉक्यूमेंट बना है, कहाँ से चल रहा है। अब इसको जब आप
करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स ऑर्डर से क्या हो रहा है, डिलीवरी। आप बोलेंगे ब्लैंकेट एग्रीमेंट से तो बना, तो ब्लैंकेट एग्रीमेंट का रिलेशन नहीं दिखाता है। अगर ये आपका सेल्स कोटेशन से रहता तो उसका रिलेशन दिखाता। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, तो सेल्स ऑर्डर से डिलीवरी दिखा रहा। अब देखिए सेल्स ऑर्डर से हमने टोटल आइटम का अभी डिलीवरी नहीं बनाया है। आपने देखा था पार्सली हमने 2000 जहाँ था वहां पे हमने 200 कर दिया था पार्सल, इसीलिए ये क्या आ रहा है, ये आपका ओपन दिखा रहा है। लेकिन जैसे ये टोटल सेल्स ऑर्डर का क्वांटिटी का डिलीवरी बन जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन रहेगा। इससे आगे वाला अगर एआर इनवॉइस बन जाएगा टोटल क्वांटिटी का, तो ये क्लोज हो जाएगा, एआर इनवॉइस ओपन रहेगा। फिर एआर इनवॉइस के बेस पे पेमेंट हो जाएगा तो टोटल आइटम का, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका एआर इनवॉइस क्लोज हो जाएगा और पेमेंट हो गया, तो साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका डिलीवरी। डिलीवरी में अगर किसी को कोई डाउट है, फिरोज श्वेता, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, ये जो सेल साइकिल में सीक्वेंस है, जैसे कि फर्स्ट आता है सेल्स कोटेशन जो रिलेशनशिप में है, हाँ फिर सेल्स उसके बाद आता है सेल्स ऑर्डर, एग्जैक्टली, देन उसके बाद डिलीवरी, आता है डिलीवरी, उसके बाद लेकिन यहाँ पहले एआर इनवॉइस नहीं आ सकता पहले, फिर उसके बाद आप सेल्स डिलीवरी। ऑर्डर से, सेल्स ऑर्डर से बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, एआर इनवॉइस आप बनाओगे, बिल बनाओगे, आपने मटेरियल उसको डिस्पैच किया ही नहीं, तो डायरेक्ट आप बिल बना के दे रहे हो उसको। ओके तो आपने जो कस्टमर जो परचेज कर रहा है उसको डिलीवरी करने का मतलब है कि हमने स्टॉक से मटेरियल को निकाल के उसे दे दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी। ओके ओके अगर जब तक हम डिलीवरी अपने स्टॉक से देंगे नहीं, तो आप उसको एआर इनवॉइस बनाने को बना सकते हो, बट वो जस्टिफाई नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप एयर इन्वेस्ट बनाओगे तो एट द सेम टाइम पे क्या होगा, स्टॉक जो आपका अकाउंट, जो एफजी स्टॉक अकाउंट जो आपका क्रेडिट हो रहा था, एयर इन्वेस्ट पे ही क्रेडिट होगा। मतलब वहां पे आपको स्टॉकिंग दोनों काम करेगा, डिलीवरी भी करेगा एज वेल एज बिल भी बनेगा। तो इसीलिए अगर एज ओके पर द साइकिल आप चलेंगे तो करना क्या है, सेल्स ऑर्डर के बाद डिलीवरी, देन एआर इन्वेस्ट, ओके देन ऑन द बेसिस ऑफ बिल हैव टू पे, हैव टू टेक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर से फिर हमें पेमेंट लेनी है, तो साइकिल ये कहता है। अगर आप नहीं डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट आप एआर इन्वॉइस बनाएंगे तो एट द सेम टाइम पे आपका स्टॉक पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा और जनरल एंट्री, अभी आपको मैं डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा, इसमें देखना क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ये है इस, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिलीवरी हम क्या करेंगे, एआर इनवॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एआर इनवॉइस, एआर इनवॉइस पे जो कस्टमर था हमारा, हमें उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा कस्टमर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे कॉपी फ्रॉम, कॉपी फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद डिलीवरी हम लेंगे, क्योंकि हमारा सेल्स ऑर्डर से डिलीवरी बना। अब डिलीवरी के बेस पे जब हमने मटेरियल को डिलीवर्ड कर दिया, तब उसके बेस पे हम बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आए, अब देखिए मैं बोला था ड्रॉ ऑल डाटा और कस्टमाइज में क्या डिफरेंस, अगर आप कस्टमाइज करते हैं नेक्स्ट जब जाएंगे तो यहीं पे वो ऑप्शन आ जाएगा क्वांटिटी या बढ़ाने घटाने का, जो मैं वहां पे कर रहा था आप यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट कोई दो आइटम आपको उसके बिल नहीं बनाने हैं, तो आप यहाँ से डिलीट भी मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उसको हटा सकते हैं शॉर्ट टेबल, या फिर इसको जो भी करना है इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज के केस में आप कर सकते हैं। अगर ड्रॉ ऑल डेटा करेंगे तो जितना डिलीवरी पे टोटल का टोटल डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, एआर इनवॉइस के स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये है दोनों में डिफरेंस, फिनिश कीजिए इसमें। ये देखिए अभी एक ही क्वांटिटी आया यहाँ पे, बाकी तीन क्वांटिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने तीन को सिलेक्ट ही नहीं किया, मैंने ये सिलेक्ट किया कि ओनली वन क्वांटिटी। अगर मुझे सारे सिलेक्ट करने तो इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और इसको नो करके बंद कर दीजिए। अब फिर से एआर इनवॉइस खोलिए, एआर इनवॉइस ओपन करने के बाद हमने फिर से उस कस्टमर को डाला, कस्टमर को डालने के बाद अगर टोटल का टोटल डेटा फेचअप करना है तो कॉपी फ्रॉम करेंगे, कॉपी फ्रॉम क्या करेंगे, डिलीवरी लेंगे, एंड फ्रॉम द डिलीवरी हम यहाँ से करेंगे चूज, और टोटल यहाँ जो है ड्रॉ ऑल डेटा इसको ले लेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अपने आप सारा का सारा आइटम हमारा यहाँ पे आ गया। वहां पे आप पार्सियली कर सकते हैं डिलीवरी जो है उसका बिल, आप पार्सियल बना सकते हैं कि भाई फर्स्ट दो आइटम का हम एक बिल बनाएंगे, फिर अगला दो आइटम का अलग बिल बनाएंगे, तो वो चीजें आप कर सकते हैं कस्टमाइज के केस में। अगर आपको सारे का एक ही बिल बनाने हैं तो आप ड्रॉ ऑल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कौन कस्टमर रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे अगर आपके कस्टमर का कोई बिल वगैरह कुछ रेफरेंस है जिसको आप टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वो रेफरेंस नंबर, ठीक है, ये रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए रिमार्क ऑलरेडी आ रहा है कि ओरिजिन कहाँ है, ब्लैंकेट एग्रीमेंट है बेस्ड ऑन सेल्स ऑर्डर बेस्ड ऑन डिलीवरी।
ये ऑटोमेटिकली आएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है, हमने इनिशियल सेटिंग कर रखा है। अब इसको करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, जनरल एंट्री चेक कीजिए। यहाँ जब आएंगे आप जनरल एंट्री चेक करेंगे तो बोला विथहोल्डिंग टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ओपन द विथहोल्डिंग टैक्स। विथहोल्डिंग टैक्स यानी कि ये बोल रहा है टीडीएस की बात कर रहा है, तो कैलकुलेट करेगा। आपको करना है तो यस करेंगे, नहीं करना है तो आप नो कर दीजिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ही नो किया अब यहाँ पे जनरल एंट्री ओपन होगा। देखिए अब यहाँ पे जनरल एंट्री जो ओपन हो रहा है ये तीन पार्ट में आ रहा है। तीन पार्ट में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट टर्म बना रखा था 20%, 40% और 40%, तो इसलिए थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आईजीएसटी 18% लगा हुआ है, तीन आइटम है, तीनों पे दो पे 18%, एक पे 28%, तो वो वैल्यू आ गया। आईजीएसटी जो हमारा आईजीएसटी अकाउंट है वो हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और सेल्स अकाउंट भी हमारा क्रेडिट हो रहा है, और फ्रेट इनवॉइस जो था वो भी क्रेडिट हो रहा है, और जो कस्टमर है वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है बिल पे। ठीक है, तो कस्टमर हमारा डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि कस्टमर हमें पेमेंट करेगा। ठीक है, तो बिल बनाएगा तो कस्टमर से मनी आएगा किसके, हमारा, हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा कस्टमर डेबिट हो रहा है, और जो हमारा सेल्स अकाउंट था वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। इनपुट जीएसटी आईजीएसटी ये अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो रहा है, और फ्रेट भी क्या है, हमें पे होगा तो फ्रेट भी हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री आपको याद रखनी है। अब ये चीजें अगर तीन को एक में कन्वर्ट करना है, तो डाउन पेमेंट का केस है, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि डाउन पेमेंट आपका इसी पेमेंट टर्म से ही फुलफिल हो जाएगा, तो डाउन पेमेंट चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट टर्म आपको चेंज करना, यहाँ पे देखे लॉजिस्टिक जो बिल टू शिप टू एड्रेस था वो यहाँ पे दिखेगा, अकाउंटिंग में आइए। अगर आपको पेमेंट टर्म चेंज करना है, यहाँ पे देखे 20% 40% एंड 40% का पेमेंट टर्म हमने बना रखा है, तो यहाँ पे आएंगे आप चाहे तो इसमें पेमेंट टर्म चेंज कर सकते हैं। क्या उसका है, इसमें आपको कुछ अटैचमेंट करने हैं तो आप अटैचमेंट कर सकते हैं। इसको करने के बाद जब आप इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये बिल बन जाएगा, किसका, कस्टमर का बिल बन जाएगा जिससे हमें पेमेंट लेनी है। अब इसको मैंने किया, ठीक है, या विथहोल्डिंग टैक्स नहीं हमें नहीं लगानी है, ओके किया और इसको यस कर दिया। जैसे ही मैं यस करूंगा तो यहाँ पे आपका एआर इनवॉइस कंप्लीट हो गया। अब एक होता है ई इनवॉइसिंग, तो यहाँ पे तो एड ऑन है, ई इनवॉइसिंग यहाँ पे है नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन बना रहता है, यहाँ पे ई